अभी तरह हम लोग आज़ाद नहीं थे, अब आज़ाद हुए हैं मुसलमान, अब आज़ाद हुआ है हिंदू, अब आज़ाद हुआ है देश, आज़ाद हुआ है। क्यों सर कब बनना हुआ? हज कमेटी का मेम्बर हूँ, हज कमेटी उत्तर प्रदेश का मेम्बर हूँ। इस रैली का मकसद यह है कि आज योगी और मोदी जी दोनों छा गए पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा भारत। हमने अपनी लाइफ में ऐसा शासन नहीं देखा, ऐसा शासन देखा नहीं जो आज आज़ादी से घूम रहे हैं ना, इतनी आज़ादी कभी नहीं देखी। जबकि आज़ाद मुल्क है हमारा, लोकतंत्र मुल्क है, लोकतंत्र वो अब लोकतंत्र है। योगी जी और मोदी जी के टाइम पे लोकतंत्र हुआ ये। अभी तरह हम लोग आज़ाद नहीं थे, अब आज़ाद हुए हैं मुसलमान, अब आज़ाद हुआ है हिंदू, अब आज़ाद हुआ है देश, आज़ाद हुआ है। क्योंकि हर मजहब मिल्लत का राशन मिल रहा है, घर घर जा रहा है, बीमारियों में देखा जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है। गुंडागर्दी खत्म हुई, गुंडागर्दी शबाब पे चल रही थी, आज औरतें आराम से जा रही हैं, कल औरतें निकलती नहीं मारे डर के। ये राज खत्म हुआ, मुलायम ने और अखिलेश ने देश तबाह कर दिया, कांग्रेस ने देश तबाह किया, आज देश आज़ाद हुआ है। आज का दिन दिख लीजिए आप, देश आज अब आज़ाद है, सात साल में और पाँच साल में। बहुत सी जनता का कहना अभी भी है कि वो परेशानियों में डूबे। देखिए परेशानियां तो उनके टाइम नहीं आई क्या? एक रुपए का ढाई साल भी क्या था, एक साल का एक रुपए में। शिक्षक वाले परेशान है, शिक्षक वाले बहुत परेशान है, परेशानियाँ। आज जाइए बच्चे घर में, इनके घर में जाइए, आप घर में जाइए, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल घर में खेल रहे, कहाँ से परेशानियाँ हैं? सब परेशानियाँ दूर हैं, और जो मेहनत करेंगे और दूर हो जाएगी। आने वाले 22 के चुनाव में यानी कि फिर आप मेहनत नहीं आनी है, आना ही आना है। पार्टी की 19 दिसंबर 2021 से पूरे प्रदेश में 6 जन विश्वास यात्राएं जो उत्तर प्रदेश के 2017 से 22 तक में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुए, मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता की सेवा की गई, उस जन विश्वास यात्रा 6 जन विश्वास यात्राएं पूरे देश प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी की निकली। हमारी भारतीय जनता पार्टी 6 क्षेत्र हैं, 6 में निकली। उसी क्रम में ये अकबरपुर जिले की अवध प्रांत की यात्रा का समापन आज लखनऊ में इस शहीद स्मृति पार्क में हुआ है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का हम लोगों को उद्बोधन प्राप्त हो रहा है। और जो जन समर्थन मिला, ये पूरे लखनऊ की 9 विधानसभाओं की रैली थी, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस रैली में लाखों लोग आए हुए हैं, जितने लोग अंदर उतने लोग बाहर, उतने लोग सड़कों पर, अपार जन विश्वास यात्रा में अपार जनता का विश्वास है। और इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से एक संदेश है प्रदेश की जनता के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में पुनः 350 सीटें पार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः परचम लहराएगा, कमल खिलेगा। के लिए बैठे हुए देखिए जनता के लिए, आम जन के लिए मकान बनवाने का काम, शौचालय दिलाने का काम, गरीब आदमी के घर से छप्पर हटाने का काम, गरीबों को अनाज देने का काम, कोरोना में फ्री वैक्सीन लगवाने का काम, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप जिनकी बात कर रहे हैं, हो सकता हो कुछ विषय छूटे हों, उनको इस बार जब हम सरकार में आएंगे तो पुनः पूरा करेंगे और बहुमत के साथ पूरा करेंगे। देखिए ये जनता का समर्थन है और ये जन समर्थन बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी।